तारीखें शुभ हैं। देवोत्थान एकादशी है, सनातन परंपरा में बड़ा महत्व है और जो अंकगणित है, जो ज्योतिष है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम, पार्टी का संगठन, मोदी जी का नाम और काम और कांग्रेस के कुकर्म, ये सब भारतीय जनता पार्टी को जीत की तरफ अग्रसर करते हैं। देवोत्थानी का नुकसान हो सकता है क्या भाई साहब? देखिए, चुनाव तो हमारे बाकी पर्वों के हिसाब से भी लोकतंत्र का पर्व है, जिसमें लोग बाग प्राथमिकता से मतदान के लिए यत्न करते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि लोग लोकतंत्र के इस पर्व को बहुत खुशी से भी मनाएंगे, बाकी अपना काम भी अच्छे से करेंगे। ईआरसीपी पे निकल रहे हैं सीएम, वो किसी पे निकले, अब उनके निकलने का ही टाइम आ गया। सर, चेहरे के बिना जा रही है, पिछले दो चुनाव में बीजेपी चेहरे के साथ गई थी, इस बार बिना चेहरे के जा रही है। इस बार सर देखिए, चेहरा बता चुके प्रधानमंत्री ने, जब कह दिया कि कमल का फूल हमारा चेहरा हो गया, उसके बाद सारी चीजें बेमानी है। सर, पार्टी में अलग अलग गुटबाजी के आरोप कांग्रेस लगाती है, कहती है हमारे यहाँ तो दो है और उनके यहाँ पे 12-10 गुट बने हुए हैं। देखिए, कभी तो वो कहते थे लीडरशिप क्राइसिस है और आज योग्य काबिल चेहरे हमारे पास हैं, सामूहिक नेतृत्व हमारे पास है, उनके यहाँ विग्रह है और स्वाभाविक तौर पर उनकी निराशा इस तरीके की बातें वो करते हैं। सर, पहली सूची में देरी की वजह ये मान रहे हैं कि आपकी गुटबाजी है, इस कारण डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, श्राद्ध पक्ष है, इसलिए पार्टी ने सनातन परंपरा के लोग हैं, इसलिए मुहूर्त देख के करेंगे। सांसद चुनाव लड़ सकते हैं इस बार क्या? कौन कौन से नाम आ रहे हैं? दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीना, कई सांसद? देखिए, अभी तो पार्टी ने कोई प्रोटोकॉल तय नहीं किया, लेकिन शर्त वही है जीतने की, जो जीतने में योग्य क्षम होगा, वहाँ की गणित जिस व्यक्ति और जिस परिस्थिति के पक्ष में होगी, उसी को पार्टी मुझे लगता है कि प्राथमिकता देगी। सर्वेस बताते हैं कि बीजेपी का एडवांटेज है, लेकिन अगर वसुंधरा जी को चेहरा डिक्लेयर किया जाए तो नंबर और बढ़ सकता है, लेकिन चेहरा डिक्लेयर नहीं किया जा रहा वसुंधरा जी को। देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी में सब नेताओं की अपनी ताकत है, उनका अपना सम्मान है, वो सब कुल मिलाकर यदि उसको पूरा क्लब करें तो पार्टी के पक्ष में ही चीजें होती हैं, पार्टी के लिए अतिरिक्त ताकत का काम करने की बात की जा रही है। सर, कहा जा रहा है कि इस बार आप आमिर की जगह आपको चुमू से चुनाव लड़ा जा सकता है, फीडबैक में वहाँ आपका नाम शीर्ष पे है। देखिए, मैं पार्टी मुझे जहां कहेगी लड़ने के लिए कहेगी लड़ूंगा, नहीं कहेगी नहीं लड़ूंगा, इसलिए हम जैसे लोगों के लिए कोई प्राथमिकता नहीं, हमारे लिए पार्टी प्राथमिकता है। सर, आप संघ कैडर के आने वाले व्यक्ति है, खबरें आई कुछ दिनों से कि संघ और बीजेपी के बीच में ऑल इज नॉट वेल, अलग अलग फीडबैक है, संघ ने अपनी अलग लिस्ट बनाई है, बीजेपी ने अपनी अलग लिस्ट बनाई है, और प्रहलाद जोशी इस मामले को आप देख रहे हैं सर? देखिए, ये तो पॉलिटिकल गॉसिप है, सब संगठनों का अपना महत्व और सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, बीजेपी ने पिछली बार सबसे भरतपुर में करा था सर, 28 में सिर्फ एक सीट आई थी, आज वहीं पे संभाग में मीटिंग चल रही है, क्या रणनीति रहेगी पूर्वी राजस्थान के लिए? पूर्वी राजस्थान में अच्छा मैंडेट मिलेगा कैसे सर? एक बार सवाल है, वहाँ संगठन को ठीक किया है और जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब हुए हैं, जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं मोदी जी की, वो नीति और ज्यादा मुखर तरीके से लोगों के बीच में गई है, उसका एक सकारात्मक पक्ष है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो क्या कहेंगे, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, कितनी तैयार है बीजेपी पार्टी? पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है और एक अच्छे बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन राजस्थान में तो आप किस फेज पे चुनाव लड़ रहे हैं, 20 साल तक वसुंधरा जी फेज थी? देखिए, चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं होती, कोई धारणा नहीं होती, और पार्टी का कमल का फूल जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ अतिरिक्त अलग से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं। अभी तक बिल्कुल खुल के ही हैं, पहले भी खुल के थे, और ज्यादा खुल के हैं, उछल कूद करके हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के अंदर अब भी गुटबाजी देखी जा रही है। कांग्रेस का काम आरोप लगाने के अलावा कुछ है भी नहीं। सर, पैकअप हो गया, आपने जारी करने में देरी क्यों हो रही है? नहीं, देरी तो अभी श्राद्ध पक्ष है, अभी अच्छे तरीके से मुहूर्त निकाल के करेंगे। नवरात्रा मजा ही से पहले सोचिए, क्या बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है जिसकी वजह से आपको मुद्दा? किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, तुष्टिकरण, अपराध, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम लोग चुनाव में जाएंगे।